हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। गाइस उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस आज की वीडियो में जो आपके लिए लेके आया हूँ, गाइस आज मैं बैंक के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ कि गाइस अगर आपका किसी भी ब्रांच में किसी भी बैंक के अंदर आपका अकाउंट है तो आप किस तरीके से मोबाइल नंबर रजिस्टर या चेंज कर सकते हो, बिल्कुल ईजी वे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो गाइस आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ, अगर आपका किसी भी बैंक के अंदर आपका अकाउंट है और अगर आपको मोबाइल नंबर चेंज या रजिस्टर करना है या फिर अपडेट करना है तो गाइस कैसे आप अपडेट कर सकते हो घर बैठे बिल्कुल इसी तरीके से। तो गाइस इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि सारे बैंकों के बारे में आज आपको बताऊंगा कि कौन कौन से मेथड होते हैं, कौन कौन से तरीके होते हैं कि आप मोबाइल नंबर उसमें चेंज या अपडेट या रजिस्टर कर सकते हो। सारे आज मेथड आपको बताने वाला हूँ और सारी इंक्वायरीज जो गाइस मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूँ तो सभी बैंक के बारे में बताऊंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहे गाइस। तो गाइस इस वीडियो को जो आप ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि आधी अधूरी जानकारी जो होती है वो खतरे की घंटी होती है। तो बिना टाइम वेस्ट करे गाइस मैं वीडियो को स्टार्ट करना चाहता हूँ। और गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा गाइस इस वीडियो में आपको सारे मेथड बताने वाला हूँ, बिल्कुल निश्चिंत रहेगा, सारे मेथड बताऊंगा कैसे मोबाइल नंबर रजिस्टर अपडेट करना है। ठीक है गाइस, तो गाइस बिना कुछ देर करें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले बताना चाहूँगा गाइस अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे। चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग, मेरा नाम है विकास और आज आप देख रहे हो टेक्निकल जीनियस। तो दोस्तों बात करते हैं हम कैसे मोबाइल नंबर को अपडेट या चेंज कर सकते हैं। तो गाइस दोस्तों देखिए क्या होता है कि देखिए मैं फर्स्ट ऑप्शन जो आपको बताने वाला हूँ, किसी भी अगर बैंक में आपका अकाउंट है तो पहला ऑप्शन हमारे पास ये यही होता है जो कि आप सभी लोग जानते हो। सिंपली क्या करना है, आपको पासबुक ले जाके, आधार कार्ड ले जाके आपको अपने बैंक ब्रांच में जाकर विजिट करना होता है। वहाँ से आपको बैंक का जो एम्प्लॉय होता है उससे आपको बात करनी होती है। बात करने के बाद गाइस या तो आपको फॉर्म देते हैं, फॉर्म को आपको फिलअप करके पासबुक की फोटोकॉपी लगा के और आधार कार्ड की फोटोकॉपी वहाँ लगा के आपको सिंपली क्या करना होता है कि उसको जो आप गाइस आपके बैंक ब्रांच में आपको सबमिट करना होता है, जमा करना होता है। तो आप जमा करते हो तो 24 घंटे के अंदर जो गाइस वहां से आपका मोबाइल नंबर जो रजिस्टर हो जाता है। 24 से 72 घंटे लग सकते हैं उसे मोबाइल नंबर अपडेट होने में। ठीक है गाइस, तो 24 से 72 घंटे के अंदर आपका मोबाइल नंबर वहां से रजिस्टर हो जाता है। तो बात ये तो कि गाइस पहले मेथड की। सेकेंड मेथड क्या होता है, सेकेंड मेथड गाइस वो ये होता है कि अगर आपके पास किसी भी बैंक का ATM है, आपके पास अगर ATM है तो ATM मशीन में जाके आप उस ATM को स्वैप करोगे। स्वैप करने के बाद आपको वहाँ से जो गाइस अपना मोबाइल नंबर अपडेट या चेंज कर सकते हो या रजिस्टर कर सकते हो। सिंपली क्या करना है, आपको मशीन में स्वैप करना है आपको अपना कार्ड, और कार्ड स्वैप करने के बाद आपको लैंग्वेज सिलेक्शन करना है। लैंग्वेज सिलेक्शन करने के बाद गाइस आपके पास जो मेथड आते हैं जो कि पेमेंट का आता है, विड्रॉल का आता है, बैलेंस इंक्वायरी का आता है, आपको उनमें कुछ नहीं करना है। सिंपली आपको लास्ट नीचे देखना है, आपको नीचे आप जब देखते हो लास्ट में तो वहाँ पे एक अदर का भी ऑप्शन आता है, उस अदर वाले ऑप्शन पे आपको करना है क्लिक। उस ऑप्शन पे जब आप क्लिक करते हो अदर वाले ऑप्शन पे तो गाइस वहाँ पे आता है गाइस अपना मोबाइल नंबर चेंज या रजिस्टर अपडेट करने का। तो गाइस चेंज मोबाइल नंबर का जो ऑप्शन आता है सिंपली आपको वहाँ पे करना है क्लिक। क्लिक जब आप करोगे तो आपको क्या करना है गाइस, आपको पुराना वाला मोबाइल नंबर वहाँ पे डालना है जो भी आपका वहाँ पे रजिस्टर हो, वो मोबाइल नंबर आपको वहाँ पे डालना है। डालने के बाद गाइस आपके पास जो गाइस एक OTP आएगा पुराने वाले मोबाइल नंबर पे, OTP आपको वहाँ पे डाल देना है। डालने के बाद गैस लिखा हुआ है न्यू इंटरव्यू और न्यू मोबाइल नंबर, तो गैस वहाँ पे आपको नया मोबाइल नंबर अपन रजिस्टर करना है तो नया मोबाइल नंबर वहाँ पे आपको डालना है। जब आप नया मोबाइल नंबर वहाँ पे डाल दे तो फिर वहाँ पे आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद गैस एक कन्फर्म का ऑप्शन आएगा, कन्फर्म के वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप वहाँ से क्लिक कर दे तो गैस वहाँ से भी आपको क्या आएगा, 24 घंटे के अंदर जो गैस मोबाइल नंबर वहाँ से आपका चेंज या रजिस्टर हो जाएगा बिल्कुल इसी तरीके से। अब गाइस बात करते हैं कि तीसरे मेथड की। तीसरे मेथड क्या है गाइस, तीसरा और लास्ट मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरे मेथड में गाइस आपको कुछ नहीं करना है, आपका किसी भी बैंक में अगर आपका अकाउंट है सिंपली क्या करना है, आपको एक नेट बैंकिंग का एक अकाउंट बनाना है आपको, जो कि ऑनलाइन नेट बैंकिंग अकाउंट बन जाता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि नेट बैंकिंग का अकाउंट कैसे बनता है। तो गाइस नेट बैंकिंग अकाउंट बनाना है आपको, जिसका भी नेट बैंकिंग अकाउंट है सिंपली क्या करना है, उस अकाउंट को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद गाइस वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, रजिस्टर मोबाइल नंबर, चेंज मोबाइल नंबर, कार्ड स्वैप, सब कुछ आ जाता है, कार्ड ब्लॉक, बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं नेट बैंकिंग में। तो गाइस वहाँ पे आपको चेंज मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपली वहाँ से आप चेंज मोबाइल नंबर कर सकते हो। तो गाइस ज़्यादा कुछ नहीं, गाइस ये तीन मेथड थे आज आपको मैंने बताए, तीन मेथड थे कि कैसे मोबाइल नंबर अपना रजिस्टर या चेंज कर सकते हो। तो किसी भी बैंक में ये कर सकते हो आप, जरूर नहीं कि आप इसमें करोगे और उसमें नहीं कर सकते। किसी भी बैंक में जो भी आपका बैंक हो उस किसी में भी कर सकते हो मोबाइल नंबर
ऐसे रजिस्टर या अपडेट। ठीक है गाइज, तो गाइज देखिए आज की वीडियो में बस इतना ही, और उम्मीद करता हूँ गाइज आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे। चलिए गाइज मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।